क्लासेट मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये सबका प्रोडक्ट हमको निकालना है यानी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहला क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले x को x के साथ लेते हैं, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ x है, तो 2x हो गया, एक साथ ले लिए, ठीक है। इनटू y, यहाँ y है, यहाँ y है और इधर y नहीं है, दो बार y है, y इनटू y, ठीक है। इनटू यहाँ पे x और y था, x और y दोनों आ गया, वाई जेड, यहाँ पे एक z बचा, तो z ले लिए और यहाँ पे एक z है तो इसको z ले लिए, आ गया समझ में। और कुछ इसमें है नहीं, इज इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू वाई क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड इंटू जेड क्या हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया हुआ है, ठीक है, a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए थ्री, ठीक है। तो इसमें देखिए वैल्यू में एक माइनस है, ठीक है, तो माइनस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये तरीके से भी कर सकते हैं या फिर सबका माइनस अलग कर लीजिए और वैल्यू निकालिए। सबसे पहले क्या किया, ये दोनों को एक साथ कर लिया, ठीक है, ये दोनों को एक साथ, a इंटू माइनस ए स्क्वायर जो है उसको एक साथ रख लिया और ए थ्री को अलग कर दिया, ए थ्री अपना अलग रहेगा, ठीक है। अब चूंकि माइनस है इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वन का माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि माइनस जो है वो बिल्कुल अलग ही हो जाए, ठीक है। तो ए के साथ कुछ नहीं है, मतलब वन है, ठीक है, यहाँ भी माइनस ए स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, मतलब वन है, यानी वन है मतलब क्या है, चूंकि माइनस साइन है इसलिए माइनस वन है, ठीक है। तो वन का माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में ए का ए स्क्वायर के साथ में, क्योंकि माइनस वन जो है वो माइनस लेके चला गया, इसका माइनस माइनस वन लेके चला गया, तो बचा क्या, प्लस वाला बचा, तो ए इंटू ए स्क्वायर एक साथ कर दिया, आ गया समझ में। तो वन इंटू माइनस वन कितना होता है, माइनस वन होता है, ए और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा, ए थ्री लास्ट में बचा हुआ है, उसको अपनी जगह में एज यूजल बिठा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस वन इंटू ए थ्री क्या होगा, माइनस ए थ्री हो जाएगा और ए थ्री तो अपने जगह में है ही, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ माइनस आ गया, तो फिर से हमको माइनस वन करके ए से माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस वन इंटू वन, इसके साथ में कुछ नहीं है, वन है, इसके साथ में कुछ नहीं है, तो माइनस वन है, ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस वन है, तो माइनस वन इंटू वन का मल्टीप्लाई करके इसको अलग कर दिए, ठीक है, और ए थ्री और ए थ्री को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। फिर से वैल्यू माइनस वन इंटू वन क्या हो गया, माइनस वन आ गया, ठीक है, और ए थ्री ए थ्री क्या आ गया, ए सिक्स आ गया, वैल्यू क्या होगा, माइनस वन इंटू ए सिक्स क्या हो गया, माइनस ए सिक्स हो गया, आ गया समझ में, ठीक है। अगला क्या है, टू इंटू फोर वाई इंटू एट वाई स्क्वायर इंटू सिक्सटीन वाई थ्री, ठीक है। तो पहले कॉन्स्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, टू इंटू फोर इंटू एट इंटू सिक्सटीन को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, y इसमें y नहीं है, छोड़ देते हैं, y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई थ्री, वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई थ्री, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको ये कोष्टक में डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, अलग रखना चाहे तो अलग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू फोर इंटू एट इंटू सिक्सटीन, चारों को मल्टीप्लाई कितना करेंगे, कितना आएगा, 1024 आएगा, ठीक है। और ये y में 1 है, ये 2 है, 2 और 1 3 और 3 6, y 6 आ गया, 1024 y 6, आ गया आंसर, आ गया होगा समझ में, ठीक है। फोर्थ क्या है, वैसा ही a इंटू टू बी इंटू थ्री सी इंटू सिक्स ए बी सी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि टू थ्री और सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कुछ नहीं है तो वन भी ले लिए, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई तकलीफ नहीं है। तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू सिक्स हो गया, एक हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें a है, इसमें b है, इसमें c है, सब में अलग अलग है, तो a का a के साथ सब जोड़ी बना लीजिए, ए का ए के साथ में, बी का बी के साथ में, सी का सी के साथ में, तो ए इंटू ए, एक ये रहा, एक ये रहा, दो ही ए है, तो ए इंटू ए है, यहाँ बी एक है, यहाँ बी है, बी इंटू बी, सी इंटू सी, ठीक है, हो गया। तो टू थ्री जा सिक्स, सिक्स जा थर्टी सिक्स, ये हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी स्क्वायर हो गया, सी इंटू सी स्क्वायर हो गया, वैल्यू क्या होगा, थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है,
एम इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी है, ठीक है। तो चूंकि माइनस है तो माइनस को हम हटा लेते हैं वन करके, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, तो मान लीजिए वन है, वन इंटू माइनस वन, ठीक है, माइनस वन इंटू एम एन पी में भी कुछ नहीं है, तो मान लीजिए वन है, ठीक है। सब में वन तो रहता ही है, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में अलग कर लीजिए इंटू, अब m वाले को एक साथ ले लीजिए, चूंकि यहाँ से माइनस निकल गया, अब यहाँ कुछ माइनस नहीं है, सब जगह में प्लस वाला ही वैल्यू है, ठीक है। तो ये m है, ये m है और ये m है, तीन m है, ठीक है। तो क्या करेंगे, m इंटू एम इंटू एम, ठीक है, इंटू, अब क्या है, वन n है वहाँ, यहाँ भी n है, तो क्या करेंगे, n इंटू एन, ओके। अब क्या है, ओनली p है, तो p इंटू में मैंने लास्ट में रख दिया, ठीक है, दिख रहा है, इंटू में p यहाँ रख दिया, ठीक है। इक्वल टू क्या होएगा, वन माइनस वन और वन, तीनों को वन इंटू माइनस वन बराबर माइनस वन, और टोटल माइनस वन इंटू वन बराबर क्या होगा, तो माइनस वन ही होगा, तो हमेशा ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन ही होगा, तो माइनस वन, ठीक है, माइनस वन एक में आ गया, सेकेंड में क्या आ गया, एम क्यूब आ गया, ठीक है, इंटू क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया, ठीक है, इंटू क्या आ गया, पी आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी, या इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी, ठीक है, माइनस वन इंटू एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी क्या हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी हो जाएगा, ठीक है, आ गया होगा समझ में, ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ एम क्यूब था तो मैंने गलती से एम स्क्वायर लिख दिया, एम क्यूब एन स्क्वायर पी होगा, यहाँ क्या होगा, एम क्यूब एन स्क्वायर पी होगा, ठीक है, आ गया समझ में, कंप्लीट हो गया।